हेलो, आप मिश्रा यू कैपिटल बात करते हैं कि निफ्टी में किस टाइप का ट्रेड हुआ आज? यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था अगर गैप डाउन होता है ठीक है तो यहाँ पे रुको या फिर शॉर्ट मत करो, तब तक शॉर्ट नहीं करना जब तक 450 के नीचे नहीं जाता। तो जैसे ही 450 के नीचे गया, ये आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिला होगा, तो 1:1 आपका टारगेट यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे आपने एग्जिट किया तो ठीक, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में। तो इतना प्रॉफिट लिया है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में हमें एग्जिट करते हैं, उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, गैप डाउन हुआ, नीचे गया 40,000 के आसपास सपोर्ट लिया। एग्जैक्टली मैंने बोला था ये जो हमारा क्लोज है एक्सपायरी क्लोज, उसी के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। मैंने बोला था गैप डाउन होके अगर सस्टेन करके ऊपर चला जाता है तो आपको बाय करना है 120 110 के आसपास, ये लेवल मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपको बाय करना था और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना था बस ठीक है। इसी कैंडल से नेक्स्ट कैंडल ने उसने दिया है अराउंड 300 के आसपास, मतलब सीधा 200 आपको पॉइंट मिल गए ठीक है। और थर्ड कैंडल रुकते तो आपको मिलता अराउंड और 100 पॉइंट ठीक है। तो यहाँ पे आपको 200 250 पॉइंट का रैली मिला है इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स ओनली। तो इस लेवल का टारगेट मिला हमें बैंक निफ्टी में सुबह सुबह, हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। देखो इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने भी लिया है सेम लेवल, देखो लेवल के हिसाब से लेना है जो भी लेना है ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी नीचे आया, आपको बोला था अगर नीचे आके फिर से अगर ऊपर जाता है तो ये जो लेवल है ठीक है, मैंने आपको बोला था 200 के ऊपर, 220 के ऊपर, उसके ऊपर भी बाय कर दे तो भी चलता। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे आके सस्टेन करके ऊपर जाता है, देखो हमेशा प्राइस एक्शन देखो क्या कह रहे हैं, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब बाय करना है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर है ठीक है इस लेवल पे और नीचे आता है और इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके अगर फिर से वो ऊपर चला जाता है, मतलब उसको और ऊपर जाना है, तो उसके बाद ही 220 के ऊपर मैंने आपको बोला था यहाँ पे बाय करने को। यहाँ पे भी आप बाय करते हैं तो आपको अराउंड, ये देखो 220 से वो गया अराउंड 600 के आसपास, तो आपको अराउंड मिले 300 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड मिले हमें आज, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, आई होप आपने अच्छे से प्रॉफिट किया होगा। चलो कल देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कल हमारी मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी ठीक है। तो अब किस टाइप का ट्रेड हो सकता है? निफ्टी देखो ये ट्रेंड लाइन कह रही है कि निफ्टी अभी सेलिंग जोन में, और ये जो क्लोज हुआ है वो मंथली क्लोजिंग के नीचे हुआ है, मतलब उसके एग्जैक्टली आसपास ही हुआ है ठीक है। और ये देखो बैंक निफ्टी क्लोज के ऊपर है और हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसके भी ऊपर है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और निफ्टी निगेटिव है ठीक है। तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कल ओपनिंग कहाँ पे होती है ठीक है। अभी ये जो हमारा सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने बंद किया है, तो ऊपर जाएगा तो प्रेशर बनेगा बाइंग का, नीचे जाएगा तो सेलिंग का बनेगा। तो चलो देखते ट्रेड किस लेवल पे करेंगे ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मतलब सीधा क्लोजिंग पे ही ओपन होगा कल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर ऊपर जाता है तो देखो ये जो लेवल है जो कल का हाई है वो ब्रेक करने के बाद आपको बाय करना है, मतलब आपको सेफ साइड बाय करना है 17565 के ऊपर ठीक है। तो 17565 के ऊपर आपको करना है बाय निफ्टी में ठीक है, तभी बाय करेंगे, अदरवाइज होल्ड करो ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद भी हम बाय करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे हमें 40 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा, ऊपर हमें 1:1 1:2 भी टारगेट मिल सकते हैं। कहाँ पे बाय करेंगे? इसके ऊपर, मतलब अराउंड 17565 के ऊपर ही बाय करेंगे, अंडरस्टूड? बाय कहाँ पे करना है? और अगर नीचे जाता है ठीक है, यहाँ पे सस्टेन होकर नीचे जाता है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट है, यहाँ पे कितना भी खेल सकता है ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ट्रेड करना है थोड़ा रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। आपको देखो ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो आप कर सकते हो, अगर अगर मार्केट में अगर सस्टेन होकर नीचे आता है और ये जो लेवल है 60 का, दैट इज 17460, उसके नीचे आप शॉर्ट का सोच सकते हो ठीक है। और यहाँ पे आपको 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और नीचे -1 -2 के आसपास टारगेट आप ले सकते हो। अंडरस्टूड? किस टाइप पर ट्रेड करेंगे? वेरी गुड। और अगर गैप अप होता है, गैप अप होता है तो रुक जाओ ठीक है, नीचे आएगा, जरूर नीचे आएगा और ये हमारा जो क्लोजिंग है उसके आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, तो ये जो लेवल है मैंने आपको बोला ये ब्रेक होने के बाद ही बाय करेंगे, दैट इज 17565 के ऊपर बाय करेंगे ठीक है। अंडरस्टूड? वेरी गुड।
और अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है और अगर मार्केट यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला आता है, तभी भी इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, दैट इज 17460 के नीचे। बनाइए कैंडल दोजी, ये देखो उसने बनाया दोजी कैंडल बनाया, बराबर है। तो अगर ये दोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप बता रहा हूँ कि बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है, दोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस बनते हैं और लो ब्रेक करता है तो नीचे जाने की चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो हाई तो बहुत पास है तो यहाँ पे ऊपर जाने की चांसेस बन सकते हैं क्योंकि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव है, यही से सपोर्ट लेके ऊपर उठा, प्लस सपोर्ट एक्सपायरी क्लोजिंग का भी है। तो ये हो गया निफ्टी, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में किस टाइप का ट्रेड करेंगे, 15 मिनट्स पे चलते हैं। अभी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये जो हर्डल था, ठीक है, उसने ब्रेक किया है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है थोड़ा नीचे चला जाता है, और अगर फिर से देखो ये डबल टॉप है, ठीक है ना, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये देखो ये लेवल बनता है 630-635 के ऊपर, तब हम बाय कब करेंगे, जब मार्केट 4630 के ऊपर चला जाए तब हम करेंगे बाय, 1:1, 1:2, 1:3 के आसपास भी टारगेट दे सकता है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा कप और ये हो जाएगा हैंडल, और हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न से भी बाय हो जाएगा, डबल कंफर्मेशन हमें मिल सकता है कल, ओके, वेरी गुड। लेकिन अगर सीधा नीचे चला जाता है, अगर मार्केट सीधा नीचे चला जाता है तो क्या करेंगे, कहां पे शॉर्ट करेंगे, यहां पे देखो यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड होगा शॉर्ट करना, तो शॉर्ट करना मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा, कल बाय के लिए सोचूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, और मार्केट फिर से नीचे आ गया, अगर यहाँ का सपोर्ट लेके फिर से अगर ऊपर चला जाता है और ये लेवल ब्रेक करता है तभी मैं करूंगा बाय। ये लेवल कौन सा है, मैंने आपको बोला है 180 के ऊपर अगर जाता है तो बाय करूंगा, लेकिन कब, जब वो नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाए तब, तो कौन सा लेवल है वो 4180 के ऊपर मैं करूंगा बाय, स्टॉप लॉस लूंगा 100 पॉइंट्स और टारगेट लूंगा 1:1, 1:2 के आसपास, अंडरस्टूड, वेरी गुड। इस टाइप का ट्रेड करेंगे अगर गैप डाउन होके नीचे चला आता है तो, ओके okay? और अगर मार्केट में गैप अप होता है और नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चलता है, फिर से इस लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे। ये कौन सा लेवल है हमारा, मैंने आपको बोला है 635-630 के ऊपर बाय करेंगे, तो 4635 के ऊपर हम बाय करेंगे अगर गैप अप होता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब, अंडरस्टूड। इस टाइप का ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड यस, इफ यू वांट टू टेक ट्रेड्स ऑन दिस एनालिसिस प्लीज कंसल्ट विद योर ओन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड देन टेक ट्रेड्स, एंड अगेन आई एम आकाश डॉन, दिस इज यूए कैपिटल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।